गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के दो दशक पूरा करने के अवसर पर स्वर्णिम दो दशक धरोहर के मौके पर जनहित के सवाल, सत्ता और पत्रकारिता विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन गुरुवार को महानगर के एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार राहुल देव, अंकुश श्रीवास्तव शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर आयोजकों द्वारा अतिथियों को अंगवस्त्र, बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार राहुल देव और अंकु श्रीवास्तव और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने संगोष्ठी के विषय बिंदु पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा लिखित दो पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, सहजता सादगी की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री राहुल देव जी, एक न्यासी अर्थात दुनिया के एक और चमकते सितारे, हम सबके देश के नामी गिरामी, कई दशकों से अधिक समय संपादक के रूप में सम्मानित अतिथियों को एक पंच पर लाने वाले, अवधि से निर्धारित अध्यक्ष तेज तर्रार स्वयं मिटकर दूसरों को जीवन देने का दीप, जो रचना धर्मिता के उद्देश्यों से रचना धर्मिता की सोच धर्म का बना है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस क्लब में कुल 24 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, उसी का हम स्वर्णिम दो दशक धरोहर इसको मना रहे हैं। धरोहर नाम इसलिए दिया गया है कि इन 24 सालों में हम लोगों ने जिनसे पत्रकारिता का कगहरा सीखा है, जिनको हम लोगों ने देखा है, जब हम लोग आए थे उस समय जिनको हम लोग वरिष्ठ जानते थे, कुछ अभी काम कर रहे हैं, कुछ लोग घर से कर रहे हैं, हर कार्य की एक अवधि होती है, उन्हीं सभी को एक मंच में लाने के लिए यह स्वर्णिम दो दशक हम लोग मना रहे हैं। पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो उसमें निश्चित तौर पे बिना किसी संगोष्ठी के और वह पत्रकारी हितों को लेकर या फिर इसके पूर्ण नहीं हो सकता था, तो हम लोगों ने प्रथम सत्र में इसके एक संगोष्ठी भी आयोजित की, जिसमें अल्प समय में हम लोगों को श्री शहनवाज हुसैन जी ने समय दिया, हालांकि समय उनके पास नहीं था, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार राहुल देव जी, श्री अक्कू जी, सभी ने हम लोगों को बड़े सहजता भाव से समय दिया, और माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो राज्यसभा में सचेतक हैं, वह तो हम लोगों के अभिभावक हैं, वह हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, मैं आपका भी आभारी हूँ। साथ ही हमारे अनुरोध पर दिल्ली से चलकर आए बड़े भाई संजय सिंह जी, जो वहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कई बार पदाधिकारी रहे,
हम लोगों के बड़े भाई प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री आनंद राय जी, श्री बागीधर द्विवेदी जी, आप लोग भी लखनऊ से चल के आए, हम आपके भी आभारी हैं। बड़े मुश्किल से आप लोगों ने समय निकाला पड़े हमारे अनुरोध पर। और भी यहाँ श्री राकेश सिंह सारस्वत जी, हम लोगों के अभिभावक पूर्व अध्यक्ष सर्वेश भैया, कौशल पांडे जी, वीरेंद्र मिश्र दीपक जी, हम सभी आपको यहाँ पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मौका दिया जो सचमुच बहुत गलत है, उनका आभार इसलिए भी है कि उन्होंने हमारे पुराने मित्र और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य अतिथि माननीय शहनवाज हुसैन, जिसे मिलने का फिर से मौका दिया। ये कह रहा हूँ कि मुझे देख के ताज्जुब होता है कि आज इतने बड़े बड़े सवाल होने के बाद भी फोकस आकर के कुल मिलाकर के वो जाति पर हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण यात्रा है, बड़ा पड़ाव है, और इस बीच आप सब ने, संस्था ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं वो निस्संदेह प्रभावशाली हैं, और मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दूसरी बार इस प्रेस क्लब के कार्यक्रम में बुलाने योग्य समझा गया, और ये एक अच्छा सुखद संयोग है कि आज 15 जुलाई को हम यहाँ पत्रकारिता पर बात कर रहे हैं। उस क्लब के दो दशक पूरे होने पर, जिसका उद्घाटन मेरे पत्रकारिता पिता प्रभाष जोशी जी ने किया था, और आज जिनकी स्मृति में जो हम हर साल एक प्रभाष प्रसंग नाम का कार्यक्रम करते हैं, वो आज दिल्ली में हो रहा है, और पहला अवसर होगा जब मैं उसमें सम्मिलित नहीं होऊंगा, लेकिन वो चूँकि ऑनलाइन है इसलिए देखने की कोशिश करेंगे। और मैं लोगों की तरह बधाई देना चाहूँगा आज के विषय के लिए भी। तो जो अकू ने कहा वो सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और उनको मैं कोशिश करूँगा कि दोहराऊँ नहीं, सिवा ये कहने के कि उसकी एक एक, उसका एक एक शब्द सही है, विचारणीय है, और हमारे समक्ष आज भी एक चुनौती है विचारों की आहुति देने के लिए। आप तो हमारी भावनाओं से, हमारी एहसासों से अलंकृत है। मुख्य अतिथि ऐसे कहां सबको है उपलब्ध। यहाँ पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय मार्कंडेय मणि त्रिपाठी, शिव प्रताप शुक्ला जी, अक्कू श्रीवास्तव जी, हमारे राज्य के लोग इनको, बिहार के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिनों तक बिहार में रहे हैं, और व्यक्तिगत रिश्ते भी जैसा बताया उनसे मेरे रहे। कि आप मद में शहद किस तरह घोलते, एक अन्य पुस्तक जिसके अब मैं जहाँ मानवता स्वयं मानवीय मूल्यों की रक्षा करती है, साक्षात इसे अपने श्री चरणों से पवित्र किया। इस अति महत्वपूर्ण मंच पर इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, गोरखपुर जन एक्सप्रेस को स्थापित करने के, और संस्थापक श्री रामेंद्र सिन्हा, श्री अनिल यादव जी, भाई एक डेरा कोटा का है क्या?
कोई खींचतान नहीं है, मैंने हाँ मुझे तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास दो बच्चे हैं, तो हम तो पहले से उस कानून के दायरे में। मैंने वो बयान क्या दिया नहीं देखा मैंने। अभी आपके एमएलसी हैं संजय पासवान जी बिहार के, वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं जबकि योगी जी यूपी में सपोर्ट। अरे वो यूपी में कानून बन रहा है तो अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून बनते हैं। अरे ना हम तो इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे, हमारे दो बच्चे हैं बस। नहीं हम तो यूपी का बहुत लाभ है बिहार को भी, गोरखपुर एयरपोर्ट से उतर के लोग गोपालगंज आते हैं, सीवान आते हैं। अभी कुशीनगर में जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उसका भी लाभ पड़ोसी होने के नाते मिलेगा। हम यूपी का अच्छा पड़ोसी है बिहार, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और योगी जी और नीतीश जी दोनों विकास के रास्ते पर चल के बिहार और यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं। बनारस के सांसद हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, अपने संसदीय क्षेत्र में पूरे यूपी में खुशी की लहर है प्रधानमंत्री के आने से। सर ओबीसी जी यूपी विधानसभा में योगी जी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं क्या? हम तो कई बार हैदराबाद में उनको चुनौती दे दिए हैं जाके, तब कहाँ पूछते हैं आप। वो यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी, जिस तरह सूरज का उगना तय है वैसे कमल का खिलना तय है। यहाँ पर हमारी सीटें पहले से बढ़ेगी और फिर से सरकार बनेगी।